आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। दिल्ली सरकार ने पिछले 7 साल में 23,000 नए स्कूलों में कमरे बनवाए, दिल्ली सरकार ने नए हॉस्पिटल बनवाए। केजरीवाल जी अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं, तो उन्होंने शिक्षा पे काम किया है, और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो उन्होंने फीस को 14 गुना बढ़ाया। तो 22 स्कॉलरशिप लेना बंद कर दो, फ्री की किताबें लेना बंद कर दो, मतलब उनको सैलरी आज की चाहिए, घी चाहिए, मरे हुए बाप के मरे हुए दादे का टाइम का चाहिए। सबसे कम सैलरी बढ़ाने वाली मोदी सरकार है। क्या लगता है मोदी अपनी योजनाओं में विफल है? किसने कह दिया योजना में, किसने योजना निकाली है? ये कह रहे बीजेपी की सरकार, जब लुटेरी गद्दार सरकार थी मनमोहन सिंह जी मोनीज बाबा की, सीबीएसई बोर्ड की 50 रुपए फीस थी, आज 1400 रुपए है। एनडीएमसी दिल्ली सरकार, दिल्ली के सर्वोदय स्कूल दिल्ली सरकार के अंडर है, और एनडीएमसी के स्कूल अमित शाह जी के अंडर है। 275 रुपए पिछली साल फीस जाती थी, आज 2300 रुपए फीस है। 8 गुना फीस बढ़ाई है मोदी जी ने सरकार। ये प्रूफ के साथ है, कहते हैं ना सब, मेरा अपना बोलने का तरीका, इनका बोलने का। 8 गुना फीस बढ़ाई है। बिहार की बात कर रहे हैं? अरे दिल्ली की बात कर रहा हूं। मैं दे दूं, मेरा अपना वेतन आ रहा है, तुम्हारा अपना है। एनडीएमसी की बात, क्या लगता है विफल है सरकार? नहीं, मैं केजरीवाल की सरकार जो दिल्ली में है उनके हिसाब से बोलूंगा, क्योंकि मैं जिस टाइम पे स्कूल में पढ़ता था उसमें कोई फैसिलिटी नहीं थी। आज के टाइम पे हमारे बच्चे जो कि प्राइवेट स्कूल से आके सरकारी स्कूल में आ रहे हैं, वो और सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरी सरकार जो दिल्ली में है उनके लिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने शिक्षा पे, जो कि हमारे टाइम पे नहीं थी, हम आज भी भड़कते हैं इधर उधर, लेकिन दिल्ली सरकार ने जो शिक्षा पे काम किया है वो और सरकारों को और राज्यों में और तरीके से काम करने की जरूरत है, ना कि हिंदू मुसलमान लड़वाने की जरूरत है। हाँ जी, तो मेरा ये कहना है, वो भी यही बोल रहे हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले 7 साल में 23,000 नए स्कूलों में कमरे बनवाए, दिल्ली सरकार ने नए हॉस्पिटल बनवाए, हॉस्पिटलों की हालत बहुत बढ़िया कर दी है। पहले कोई जाने के तैयार नहीं था वहाँ पे इलाज कराने के लिए, आज हर आदमी जो बीमार पड़ता है तो कहता है दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। मैम देखो, केजरीवाल जी अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं, एक सेकंड, केजरीवाल जी अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, IRS हूँ, तो उन्होंने शिक्षा पे काम किया है, स्वास्थ्य पे काम किया है, और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो उन्होंने फीस को 14 गुना बढ़ाया, 23 गुना बढ़ाया है फीस को। उन्होंने कहा कि जैसा मैं हूँ वैसा ही रहूंगा, केजरीवाल पढ़ा लिखा है, उन्होंने शिक्षा। मैं जवाब देना चाहता हूँ, जो लोग कह रहे हैं ना बड़ा है, तो 22 स्कॉलरशिप लेना बंद कर दो, फ्री की किताबें लेना बंद कर दो, और फ्री की किताबें, एक सेकंड वो भी बता रहा हूँ, एक सेकंड इनका मैं जवाब दे रहा हूँ, एक सेकंड, तो कम से कम तुम्हारे लोगों के, गरीब लोगों का फायदा होगा, गरीब लोगों का फायदा होगा। दिल्ली सरकार एक पढ़े लिखे के हाथ में, दिल्ली सरकार में गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए सब कुछ, एक सेकंड सुन तो लो, क्या कह रहा है अभी किसी ने कहा ना कि पहले फॉर्म 50 रुपए का था 20 साल पहले, आज उस तरह का हो गया, पहले एक फीस जो थी 20 साल पहले 75 रुपए दिया, उनसे पूछूंगा मैं, मतलब उनको सैलरी आज की चाहिए, घी चाहिए, मरे हुए बाप के मरे हुए दादे का टाइम का चाहिए, तो भैया सैलरी भी लो ना तुम, प्रॉब्लम ये है कि सैलरी कह दूंगा बढ़ाई है। सबसे कम सैलरी बढ़ाने वाली मोदी सरकार है, एक मिनट देखो, मेडिकल के भी बात कहा था मैडम, मेडिकल के लिए बात कहा था, मेडिकल यहाँ के बहुत बढ़िया है, मेडिकल की पोल सिसोदिया की घरवाई ने खोली है, अपोलो में करवा रही है, 14 करोड़ रुपया का बिल लग चुके सिसोदिया, जब अगर यहाँ सरकारी ने भी कोई व्यवस्था है पर अपोलो में इलाज करवा रही है, वह नुकई इलाज बेकार है, स्थिति खराब है। देखो मैं बता रहा हूँ आजकल के कुछ ऐसे अपने जो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, जिसमें खाते हैं ऐसा है, यहाँ पे पूरी देश की जनता जानती है कौन थाली में छेद कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। योजना बात करोगे तो नहीं करेंगे, अरे केजरीवाल से कुछ सीख लो, आप ये देखो केजरीवाल से सीख रहे भ्रष्टाचार के अंदर जेल में सारे नेता, और ये भ्रष्टाचार करके अब ये भी जेल में जाने वाले हैं। देखो जो आदमी जिस देश का प्रधानमंत्री 3 दिन पहले बोलता है अजीत पवार 70,000 करोड़ चक्की पीस
आज उसके साथ सत्ता का सुख बोलने और ये बोलने, ये क्या बोलेंगे? सत्ता का सुख भोग रहा है अजीत पवार, उसके साथ बीजेपी सत्ता का सुख बोल रही है, ये झूठ बोलने वाले गद्दार। शुभेंदु अधिकारी जब वो बीजेपी में नहीं था तो उसको कहते थे भ्रष्ट है, उसको बीजेपी में शामिल कर लिया, उसके सारे केस बंद। हेमंता बिश्व शर्मा जब बीजेपी में नहीं था, कांग्रेस में था तो भ्रष्ट, जब वो कांग्रेस, जब वो बीजेपी में आ गया तो वो बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है, ईमानदार। अजीत पवार जब वो एनसीपी में यानी इसके साथ था, यूपीए के साथ, तो वो भ्रष्ट। आज वो बीजेपी के साथ आ गया तो वो सबसे अच्छा ईमानदार आदमी। ये है दोहरापन है, दोहरा चरित्र है राजनीति का। योजनाएं, बात की जाए योजनाओं की तो योजनाओं पे जनता का जो विचार था वो मैंने आपके सामने रखा। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।